दोस्तों, 90 का दशक आज भी फिल्म इंडस्ट्री का वो सुनहरा सफर माना जाता है जिसमें हमें एक से बढ़कर एक ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्में देखने को मिली और कितने ही सुपरस्टार्स देखने को मिले। चाहे फिर बात नंबर वन हीरो गोविंदा की हो या फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जैसे कलाकारों की हो, जिन्होंने साथ मिलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से एक नया ही रंग दे दिया था। और इसी रंग में रंगने वाले देश भर के लाखों करोड़ों लोग इनके मुरीद बन बैठे थे। भाई तभी तो 90 के दशक में धमाल मचाने वाले ये सारे अभिनेता आज भी सुपरस्टार कहे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक के ये सुपरस्टार बीते इन सालों में आज कितने बदल गए हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ ना कैसी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जानते होंगे ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए एक एक कर जल्दी से जान लेते हैं कि आखिरकार 90 के दशक के ये चुनिंदा स्टार्स आज कितने ज्यादा बदल गए हैं और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर एक, अमिताभ बच्चन। सूर्यवंशम, अग्निपथ और खुदा गवाह जैसी कई सुपरहिट और यादगार फिल्मों से 90 के दशक को यादगार बनाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन इन बीते सालों में आज काफी बदल गए हैं। अपनी 78 साल की उम्र में ये पहले से काफी ज्यादा ओल्ड एज में नजर आते हैं, लेकिन इन बीते कई सालों में भले ही इनके बाल सफेद हो गए हों, लेकिन आज ये पहले से भी काफी ज्यादा स्टाइलिश और पर्सनैलिटी वाले शख्स दिखते हैं, जिनके ड्रेसिंग सेंस में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि आज ये अपनी पत्नी जया बहादुरी और बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, जो कि आज भी अपनी फैमिली के साथ लाइमलाइट का मुख्य चेहरा बने रहते हैं। साथ ही साथ ये आज भी अपने अभिनय करियर में सक्रिय हैं, जिन्हें आप जल्द ही चेहरे फिल्म के साथ देखने वाले हैं। नंबर दो, अनिल कपूर। 90 के दशक में बॉलीवुड के झकास अभिनेता अनिल कपूर ने लाटला, मिस्टर इंडिया और जुदाई जैसी न जाने कितनी सुपर डुपर हिट फिल्मों से जो धमाल मचाया है ना, उसे भूल पाना आज भी थोड़ा नामुमकिन लगता है। वहीं आपको बताते चले कि इन बीते सालों में 90 के दशक के ये झकास अभिनेता अनिल कपूर आज काफी ज्यादा बदल गए हैं। अपनी 64 साल की उम्र में ये पहले जैसे नजर नहीं आते हैं, बल्कि आज तो उनका स्टाइल पहले से भी काफी ज्यादा डिसेंट हो चुका है। जी हाँ, इन्हें देखकर लगता है कि ये आज अपनी 64 साल की उम्र कंप्लीट नहीं कर चुके, बल्कि वहीं वर्तमान में अपनी पत्नी सुनीता कपूर, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर जानी जाती हैं, और तीन बच्चे सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर के साथ मुंबई में सेटल्ड हैं, जिनके तीनों ही बच्चों ने एक्टिंग की दुनिया को अपना करियर के तौर पर चुना ही, और साथ ही साथ मुंबई में रहते हुए अनिल कपूर आज भी अपने अभिनय करियर में सक्रिय हैं, जो कि हमें कुछ समय पहले ही मंगल मूवी में नजर आए थे। नंबर तीन, अजय देवगन। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म फूल और कांटों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता अजय देवगन की बात करें तो आपको बता दें कि 90 के दशक के ये सुपर डुपर एक्टर आज काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आज 52 साल के हो गए हैं ये। हालांकि इनकी फेस स्किन थोड़ी सी डल जरूर नजर आती है, लेकिन ये बीते समय के साथ साथ और भी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश और साथ ही हैंडसम दिखाई देने लगे हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी साफ साफ देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बताते चले कि पहले की तरह ही आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो कि जल्द ही मैदान और आरआरआर जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो अभिनेत्री काजोल के साथ शादी के बंधन में बंधकर न्यासा और युग के पिता बनने वाले अजय देवगन अपनी छोटी सी फैमिली के साथ मुंबई में सेटल्ड हैं, जिनके दोनों ही बच्चे फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। नंबर चार, संजय दत्त। 90 के दशक में अपने धाकड़ लुक के लिए जाने जाने वाले अभिनेता संजय दत्त ने सड़क, साजन और गुमराह जैसे न जाने कितनी फिल्में देकर दर्शकों को से खूब सारी वाहवाही और तारीफें हासिल की हैं। वहीं आपको बताते चले कि 90 के दशक के ये सुपरस्टार आज 61 साल के हो गए हैं और पहले से न काफी ज्यादा ओल्ड एज और झुर्रीदार फेस के साथ नजर आते हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरें भी देख पा रही होंगे। बता दें कि सज्जू बाबा ने आज भी अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू रखा हुआ है, जिन्हें लास्ट टाइम सड़क टू उम्मीद भी अभिनय करते हुए देखा गया और ये जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 में भी अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं। नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो वर्तमान में अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त और तीन बच्चे त्रिशाला, इकरा और शहदान के साथ मुंबई में रहते हुए उनके साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं।
आपके तीनों बच्चे फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 5, मनोज बाजपेयी। 90 के दशक की दो सुपर डुपर हिट फिल्म सत्य और शूल में अपनी मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों को अपना दीवाना कर देने वाले अभिनेता मनोज बाजपेयी के आज की बात की जाए तो आज ही 52 साल के हो गए हैं और अपनी इस उम्र में पहले के लुक्स को पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो आज पहले के मुताबिक काफी ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम नजर आते हैं, जिन्होंने अपने हेयर स्टाइल से लेकर अपने ड्रेसिंग सेंस में काफी ज्यादा बदलाव कर लिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज भी ये एक्टिंग करियर में सक्रिय हैं, जिन्हें आप जल्द ही सत्यमेव जयते 2 मूवी में देखने वाले हैं। बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आज ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और फिल्म प्रोड्यूसर शबाना रजा के साथ शादी कर घर बसाकर एक प्यारी सी बेटी अवा नायला के पिता भी बन चुके हैं और इनके साथ ये मुंबई में रहते हुए काफी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वेल दोस्तों, 90 के दशक के इन सुपरस्टार्स में से आपका फेवरेट स्टार कौन सा है और किसके फैमिली के बारे में जानकर आपको हैरानी हुई है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी जल्दी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।